अब हमने डिस्कस करना है कि इंटीरियर व्यू हमने देखना है, सुपरफिशियल फाशा, ये देखें अम्बिलिकल एरिया है और हमारा यहाँ से ये सुपरफिशियल फाशा ये स्टार्ट हो रहा है नीचे, ठीक है, और ये मिड पॉइंट ऑफ इंग्वेनियल लिगामेंट है। ये इंग्वेनियल लिगामेंट हमें पता है ये इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से प्यूबिक ट्यूबरकल तक जाता है, ट्यूबरकल, ठीक है। और उसके बाद इंफ्रा अम्बिलिकल पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वाल है। अब ये फाशा जो है ये हमारा कवरिंग करके, ठीक है, ये हमारे प्यूबिक ट्यूबरकल के साथ अटैच होता है, और ये जब अटैच होता है तो ये बनाता है होल्डन लाइंस। होल्डन लाइंस, ये होल्डन लाइंस की इंपॉर्टेंस ये होती है कि हमें पता है कि इस एरिया में जो है ये ब्लैडर होता है। अगर बाजू का कोई रोड ट्रैफिक इंजरी या कोलेजन इंजरीज हो जाए तो आपका ब्लैडर जो है वो रप्चर हो जाता है, ठीक है, रप्चर हो जाता है। रप्चर की वजह से तो ये जो है वो प्रिवेंट करता है आपके यूरिन को आपकी लेग्स में, आपकी थाई में कंपार्टमेंट होते हैं उसमें आने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। होल्डन लाइंस की ये इंपॉर्टेंस है, कोई भी अगर आपका ये यूरिन वगैरह जो है उसको नहीं आने देता बल्कि उसको ऊपर उस एरिया में क्लोज करके रखता है। देन सुपरफिशियल इंग्वेनियल रिंग एंड सुपरमेटिक कॉर्ड जो है ये इसे पास हो रही है इस एरिया से, ठीक है, ये हमारी इंग्वेनियल रिंग है। देन दिस वन इज द प्यूबिक ट्यूबरकल सिम्फिसिस प्यूबिस, और ये है प्यूबिक आर्च और पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेरिनियल मेम्ब्रेन। देन है सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ठीक है, पेरिनियल पाउच, और ये है टेस्टिस इन मेल। नेक्स्ट, ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर जो कि सुपरफिशियल फाशा इंटीरियर व्यू बनाता है। ये डायग्राम आपने ड्रा करनी है सबने। अब नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि हमने सर्जाइटल सेक्शन, सर्जाइटल सेक्शन क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ये पेशेंट है, नॉट नॉट पेशेंट, अगर कोई बंदा है, ठीक है, अगर कोई बंदा है उसको हमने ऐसे काटना है सेंटर से, काटने के बाद हमने उसकी राइट साइड से इधर आप खड़े हैं उसको देख रहे हैं, ये आपकी आंखें हैं जी, ठीक है, बड़ी बड़ी आप उसको देख रहे हैं, तो अगर आपने इस साइड से देखा है इसको कहते हैं सजाइटल व्यू, ठीक है। लाइक आप साइड से जिस तरह जैसे आप काटते हैं, लाइक कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक ये है ऐसे चीज़ है, ठीक है, तो आप अगर ऐसे काट देते हैं उसको और आप इसको जो है बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधा देखते हैं, ठीक है, तो ये है इसका सजाइटल व्यू। अब हमने ऐसे काटा है और हमने सजाइटल व्यू जो है इसका देखना है कि किस तरह जो है ये सुपरफिशियल फाशा होता है। सबसे पहले देखिए, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये दो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, और ये फर्स्ट है इसकी मेम्ब्रेनस लेयर है सुपरफिशियल फाशा की, दिस वन इज द मेम्ब्रेनस लेयर, और ये मेम्ब्रेनस लेयर है सुपरफिशियल फाशा जो है नीचे जाता है, ठीक है, नीचे जाता है, और नीचे जाके ये जो है हमारे किसके साथ अटैच होता है, हमारी टिप ऑफ पेनिस जिसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ये टिप ऑफ पेनिस को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, इसके साथ अटैच होता है, और इस फाशा को जो है हम बक्स फाशा कहते हैं, क्या कहते हैं, बक्स फाशा कहते हैं, और ये मेल्स में होता है, और हमें पता है कि पेनिस जो है वो उसमें कार्पस कैवर्नोसम होते हैं, ठीक है, ये बिग आर्टरी होती है, और ये कार्पस कैवर्नोसम जो है इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि जब भी इसमें ब्लड जो है पुलिंग होती है, ये बिग आर्टरी होती है, जब भी इसमें ज़्यादा ब्लड होता है पुलिंग होती है तो क्या होता है, इरक्शन हो जाती है, ठीक है, इरक्शन इस आर्टरी की वजह से होती है। इस पे स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं हम फास्फोडाइएस्टर रिसेप्टर 5 होते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें इरेक्टाइल प्रॉब्लम होती हैं, इरेक्टाइल प्रॉब्लम होती हैं, वो क्या होते हैं, फिर हम उसको ड्रग देते हैं जिसको कहते हैं सिलडेनाफिल, पाकिस्तान में जो कि वाइग्रा के नाम से मशहूर है, वाइग्रा, ठीक है, ये क्या ड्रग है, कौन सी, ये फास्फो डाइएस्टर के नाम से 5 इनहिबिटर होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ये इसका काम होता है वेजो डायलेशन, तो ये जब इस आर्टरी के ऊपर एक्ट करती है तो ये इसकी जो वेजो डायलेशन कर देगी इसमें मोर ब्लड पुलिंग होगी, जिसकी वजह से जिन पेशेंट्स में ये इरेक्शन प्रॉब्लम होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, मोस्टली वो पेशेंट होते हैं जिनमें
जो डिप्रेस रहते हैं, लाइक डिप्रेशन वगैरह, जिनका काम डिप्रेशन वाला होता है, उनमें ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्यूबिक सिम्फेसिस, दिस वन सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस है, दिस वन जो कि इसके साथ ऊपर अटैच होता है, और ये पेरेनियल मेम्ब्रेन है, और ये जो फाशिया है नीचे, ठीक है, ये कोलेज फाशिया है, ये कोलेज फाशिया जो है ये पेरेनियल फाशिया का पार्ट होता है नीचे। ठीक है, ये जो कि स्क्रोटम एरिया को कवर करने के बाद जो है वो नीचे जो सरफेस है, बिलो सरफेस जो होती है, ठीक है, एट बिलो सरफेस जो होती है पेनिस की, उसके साथ अटैच होती है। ये डिफरेंट फाशाज हैं, ठीक है, ये हम डिटेल में आगे जो है वो डिस्कस करेंगे सारे, इसकी कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब है सुपरफेशियल एडिपोज लेयर, द सुपरफेशियल लेयर कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट दैट इज, ये इसलिए मैं थोड़ा इस पे टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो है आप लोगों ने माशाल्लाह सर्जन किसने बनना है, हु वांट टू बिकम अ सर्जन, किसी ने नहीं बनना, एजाज खान, ओके एजाज खान मैंने, ओके खदीजा, दो सर्जन तो हैं इधर, ठीक है, तीसरा चलो मुझे ऐड कर लो। तो अगर आपने सर्जरी करनी है, लाइक पेशेंट आया, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब मेरे जो है वो उसका उसे अल्सर हुआ था, अल्सर की वजह से जो है उसका मैदा जो है सुराख हो चुकी है, और वो सारा कंटेंट जो मैदे का निकल के उसके पेरिटोनियल कैविटी में आ चुका है, उसको पेरिटोनाइटिस हो गया। पेरिटोनाइटिस पेशेंट आ गया तो आपको तो इमरजेंसी एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ेगी, मीन्स कि आपको उसका एब्डोमेन ओपन करना पड़ेगा। अगर आपको सारी एनाटॉमी पता होगी, सारी लेयर्स पता होगी, तभी आप ओपन करेंगे, नहीं तो ये तो नहीं बंदा काट के रख दो, और फिर पेशेंट के जो घर वाले हैं वो फिर डॉक्टर को, आपको पता है क्या होता है। इसीलिए ये नोट में इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो लेयर्स हैं, कहाँ पे होती हैं, कैसी होती हैं सारी। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर जो होती है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होती है, दैट इज पार्टीशन बाय फाइबरस सेप्टा कनेक्टिंग द डर्मिस विद द डीपर मेम्ब्रेनस लेयर इन्फीरियरली, इट इज कंटिन्यू विद द सुपरफिशियल फाशा ऑफ द थाई एंड मीडियली जो है इसके साथ लीनिया एल्बा के साथ होती है। ठीक है, इन द मेल में दिस लेयर कंटिन्यू ओवर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेयर इट बिकम थिन पेल रेड एंड कंटेन अ वेरी लिटिल एडिपोज टिश्यूज। इन द स्क्रोटम इट ऑल्सो कंटेन्स अ स्मूथ मसल फाइबर ऑफ द डॉटर्स मसल, ये डॉटर्स मसल जो है ये स्पेशल स्क्रोटल मसल होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, टेस्टिस को एलिवेशन करने में जो है हेल्प करता है। इन फीमेल्स इट कंटिन्यू फ्रॉम द सुप्रा प्यूबिक रीजन ऑफ द एब्डोमिन इनटू लिबिया मेजोरा एंड पेरिनियम, ठीक है, कि फीमेल्स में जो है वो लिबिया मेजोरा माइनोरा और पेरिनियम एरिया में जो है ये एक स्मॉल लेयर हो जो सुपरफेशियल एडिपोज लेयर होती है। एडिपोज लेयर मींस के फैट की लेयर होती है, जस्ट वो कंटिन्यू हो जाती है नीचे हमारे अब्डोमिन से नीचे हमारे पेरेनियल एरिया में, मेल्स और फीमेल दोनों में जाती है। ठीक है, मेल्स में जो है स्क्रोटल एरिया में और फीमेल्स में पेरेनियम लेबिया मेजोरा और पेरेनियम एरिया में जाती है, जस्ट ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सुपरफेशियल फाशा मीन्स के मेम्ब्रेनस लेयर, स्कार्पा फाशा इज अ थिन मेम्ब्रेनस लेयर हैज अ फॉलोइंग रिलेशनशिप, ये लेटरली किसके साथ होती है, कंटिन्यू विद द सुपरफेशियल फाशा ऑफ द बैक, ठीक है, सुपरफेशियल फाशा ऑफ बैक के साथ जो है वो अटैच होती है। स्पीरियरली कंटिन्यू विद द स्पीरियल फाशा ऑफ द थोरेक्स के साथ, और इन्फीरियरली फ्यूज विद द डीप फाशा ऑफ द या लाइक फाशा लाटा के साथ जो है वो बिलो द इंग्वेनियल लिगामेंट नीचे जाके, लाइक इंग्वेनियल लिगामेंट ऐसे नीचे जाके जो है वो फाशा लाटा के साथ अटैच हो जाती है। इन द मिड लाइन इन्फीरियरली द मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ फाशा इज नॉट अटैच टू द प्यूबिक बट फॉर्म द ट्यूबुलर ट्यूबुलर स्मूथ ट्यूबुलर, ये जो है इसमें ये थोड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है, और ये ट्यूबुलर शीट बनाती है फॉर द पेनिस और क्लाइटोरिस के लिए। ठीक है, ये जो इन्फीरियरली इसका मिड लाइन पोर्शन होता है ये मेम्ब्रेनस लेयर का, ये जस्ट एक शीट बनाती है अटैचमेंट के लिए, मेल्स में पेनिस के लिए और फीमेल में क्लाइटोरिस के लिए। ठीक है, सुपरफेशियल फैटी लेयर ऑफ ऑफ द
सुपरफिशियल फाशा जिसको कैंपर फाशा कहते हैं, कंटेन द फैट एंड वेरीज इन थिकनेस, इट इज कंटिन्यू ओवर द इंग्वेनल लिगामेंट विद द सुपरफिशियल फाशा ऑफ द थाई एंड विद द सिमिलर लेयर ऑफ क्रैनियम, continue over the penis and after losing its fat goes with the deeper layer of the superficial fascia, continue into the subcrotum where it form a specialized superficial facial layer containing the smooth muscles fibers called the daughter's fascia. ठीक है, तो ये males में जो है वो daughter's fascia बनाते हैं. This one is the daughter fascia जो कि subcrotum में होता है. ठीक है, ये ऊपर superficial camper fascia होता है, लेकिन जब ये subcrotum में जाता है ये क्या बन जाता है, ये daughter's fascia बन जाता है. नेक्स्ट जो है अबनॉमिनल वॉल फाशा. ठीक है, इसमें देखें सुपरफिशियल फाशा, दिस वन इज अ सुपरफिशियल, जिसको फैटी लेयर जो होती है वो कैंपर फाशा और सुपरफिशियल फाशा मेम्ब्रेनस लेयर जो होती है, मेम्ब्रेनल लेयर को क्या कहते हैं, स्कार्पा फाशा. दिस वन इज अ स्किन, देन पैराइटल पेरिटोनियम आती है और एक्स्ट्रा पेरिटोनियम फाशा, और डिफरेंट मसल्स होती हैं जो हमने डिस्कस की, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस और ट्रांसवर्सलिस फाशा, और ट्रांसवर्सलिस फाशा के नीचे जो है वो पैराइटल पेरिटोनियम होती है. ठीक है, लेयर्स ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो लेयर्स है सुपरफिशियल फाशा जो है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती हैं, फैट्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स और नर्व्स होती हैं जो कि हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती हैं सुपरफिशियल फाशा में, वो होती हैं. ठीक है, बिलो लाइन जॉइनिंग द टू ए एस आई एस. ठीक है, इंटीरियर स्पेरियोइलिक स्पाइन जो है कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स जो कि सुपरफिशियल लेयर है कैंपर और डीप लेयर है स्कार्पा फाशा. स्कार्पा फाशा कंटिन्यू विद द फाशा लाटा ऑफ द थाई बिलो द इंग्वेनल लिगामेंट के साथ जो है वो नीचे जाता है, जो कि हुडन लाइन्स नीचे बनाता है. स्कार्पा फाशा नीचे जाके हुडन लाइंस बनाता है. ठीक है, और बक्स फाशा ऑफ द पेनिस, ये देखें यहाँ पे बक्स फाशा ऑफ पेनिस जो कि सुपरफिशियल एरिया में होता है, और कोलेस फाशा ऑफ सक्रोटम में जो है वो कोलेस फाशा ऐसे बनाता है नीचे. ठीक है, इस कार्पा फाशा जो है इसकी कंटिन्यूएशन होती है, एक ये फाशा लाटा के साथ अटैच होता है जो कि इंग्वेनल लिगामेंट के नीचे जाके हुडन लाइंस बनाता है, और एक बक्स फाशा ऑफ पेनिस के साथ बनाता है, और एक कोलेस फाशा ऑफ सक्रोटम होता है. नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ सुपरफिशियल और कोलेस फाशा, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, एक बार आपने इसको रिव्यू कर लेना. ठीक है, और इसमें देखें ये है ट्रांसवर्सलिस, ये है हमारे पास स्कार्पा फाशा, दिस वन जो कि नीचे ऐसे मूव करता है. ठीक है, ये देखें, और आगे ये नीचे मूव करता है तो ये जाके ये है पेनिस मेल में. ठीक है, तो ये पेनिस में जाके जो है क्या बन जाता है, बक्स फाशा. ठीक है, और उसके बाद ये डॉटर्स जो है फाशा है, उसके बाद दिस वन इज द कैंपर फाशा, और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है डीप फाशा. डीप फाशा जो है वो बक्स फाशा बन जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट जो पोस्टीरियरली हम देखें के जो कोलेस फाशा है वो हमारे स्क्रोटम में है. ठीक है, स्क्रोटम में जो है वो कोलेस फाशा है, और ये जो दिस वन ये जो है ये पिंक वाला. ठीक है, जैसे इनके अभी नाम आपने याद रखने कहाँ कहाँ पे होते हैं इनके. देन जो है वो आर्टरीज जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई करती हैं, दिस इज द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है इसकी आगे ब्रांचेज होती हैं, जो कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी हमारी जो है वो सब क्लेवियन आर्टरी से ओरिजिनेट होती है. कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सब क्लेवियन आर्टरी से. और इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की ब्रांचेज होती हैं, एक होती है मस्कुलोफेरेनिक आर्टरी और एक होती है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी. ठीक है, और जो मस्कुलोफेरेनिक है ये हमारे डायफ्राम को सप्लाई करती है, और लेटरल जो है वो लेटरल हमारा जो है वो अबडोमिनल वाला अपर लेटरल अबडोमिनल वाला उसको सप्लाई करती है इस एरिया में. देन सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो अम्बिलिकल एरिया है उससे अबव जो है इस एरिया को एपिगैस्ट्रिक एरिया में सप्लाई करती है. देन हमारी इंटरकोस्टल आर्टरीज आती हैं जो कि पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज हैं, वो सप्लाई करती हैं हमारे सब कोस्टल एरिया को. कोस्टल के नीचे या देखें तो
ये कौन सा एरिया को करती है, ये सब कोस्टल एरिया को, दिस वन इज द सब कोस्टल एरिया। देन है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो कि, और डीप सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, ठीक है, और उसके बाद जो है सुपरफेशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और सुपरफेशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। हमने पढ़ा था नीचे जो है वो कौन सी, कॉमन इलियक आर्टरी होती है, और कॉमन इलियक जो है उससे इंटरनल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ये कॉमन इलियक आर्टरी जो इंटरनल इलियक आर्टरी उसकी ब्रांचेज होती हैं जो ऊपर को, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांचेज ऊपर को आती हैं। तो ये उसको, ये आपने डायग्राम जो है इसको ड्रा करनी है ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए। और सुपरफेशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी जो है, ठीक है, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है, सुपरफेशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी, जो कि हमारे इस प्रेनियम एरिया जो है, दिस इज द प्रेनियम एरिया, इसको सप्लाई करती है। ये सारी हम पढ़ेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू है आपके लिए इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का, लेकिन जब हम एक प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लड वेसल्स का तब आपको क्लियर हो जाएगा सारा। अब है फाशा ट्रांसवर्सलिस। फाशा ट्रांसवर्सलिस इसका हमने देखना है इंटीरियरली किसके साथ अटैच होता है। इंटीरियरली जो है अटैच टू द लीनियर एल्बा अबव द एम्बिलिकस के साथ, ठीक है, अबव टू द लीनियर एल्बा अबव द एम्बिलिकस, प्रोपोस्टीरियरली मर्ज विद द इंटीरियर लेयर ऑफ थोरैको लुम्बर फाशा एंड इज कंटिन्यू विद द रेनल फाशा के साथ अटैच होता है। सुपीरियरली कंटिन्यू विद द डायाफ्रामेटिक फाशा के साथ, और इन्फीरियरली इनर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट के साथ, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो सुपीरियरली किसके साथ है, हमने देखना है कि इंटीरियरली लीनिया एल्बा के साथ ऑफ एम्बिलिकस, ठीक है, कि ये है हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो ये हमने क्या देखना है, ट्रांसवर्सलिस फाशा, दिस वन इज द फाशा ट्रांसवर्सलिस। तो ये इंटीरियरली जो है किसके साथ अटैच होता है, लीनिया एल्बा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मींस के वो क्रोनस सेक्शन है और एक ट्रांसवर सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे लीनिया एल्बा नहीं शुरू की दिखाया गया, तो आप यहाँ पे लिख लें इंटीरियरली जो है वो लीनिया एल्बा के साथ अटैच होता है। ये लीनिया एल्बा क्या होता है, ये सेंटर में एक शीट होती है और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे मसल होते हैं, दिस इज द टू मसल, और दो, ये दोनों जो मसल होती हैं इन मसल्स को हम कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। ये रेक्टस एब्डोमिनस के सेंटर में जो ये एरिया होता है इसको कहते हैं हम लीनिया एल्बा, ठीक है। तो ये इंटीरियरली उसके साथ अटैच है, और पोस्टीरियरली अंटीरियर लेयर ऑफ थ्रैकोलुम्बर फाशा, ठीक है, थ्रैकोलुम्बर फाशा, दिस वन इज द थ्रैकोलुम्बर फाशा, और ये पोस्टीरियरली मीन्स कि ये पीछे जाके इसके साथ अटैच होता है, और उसके बाद जो है ये और रेनल फाशा के साथ कंटिन्यू है। तो आप देखें ये है रेनल फाशा, दिस वन, तो ये इसके साथ यहाँ पे आके अटैच हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है अगर हम देखें सुपीरियरली ये डायफ्राम के साथ, ये इसमें दिस वन इज अ डायफ्रामेटिक फाशा, और ये है फाशा ट्रांसवर्सलिस। तो ये सुपीरियरली, दिस इज सुपीरियर, तो ये फाशा ट्रांसवर्सलिस डायफ्राम के साथ अटैच है। और हम और इन्फीरियरली इनर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, ठीक है, दिस वन इज द इलियम, ये है फाशा इलिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलियकस होता है, तो इलियक क्रस्ट होती है, लाइक ऐसे ये है इलियक क्रस्ट, तो इसके साथ जो है ये अटैच होता है इन्फीरियरली। और उसके बाद जो है ये नीचे आके हमारा फाशा ट्रांसवर्सल पेल्विक फाशा बनाता है, और उसके बाद पेल्विक फ्लोर में इन्वॉल्व होता है, और उसके बाद ये है पेल्विक वॉल, ठीक है, ये पेल्विक फाशा। ये सारी जो है अटैचमेंट थी किसकी, हमारे फाशा ट्रांसवर्सलिस की, इंटीरियरली लीनिया एल्बा के साथ, पोस्टीरियरली इंटीरियर लेयर ऑफ थ्रैकोलुम्बर फाशा और रेनल फाशा के साथ, स्पीरियरली डायाफ्रामेटिक फाशा के साथ, इन्फीरियरली जो है इनर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट के साथ अटैच होता है, और मीडियली जो है वो इज अटैचमेंट टू द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड द प्यूबिक क्रेस्ट एंड द पेक्टिनियल लाइन जो है, ठीक है, इस डायग्राम में नहीं शो होगी, लेकिन जो है वो मीडियली किसके साथ है, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट और पेक्टिनल लाइन के साथ है, ठीक है।
और हमें पता है कि ये देखें, पार्ट ऑफ इट परलोंग्ड इनटू द थाई एज द इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टल फेमोरल शीट, सॉरी फेमोरल शीट बनाता है। हमें पता है ट्रांसवर्स सैलिस फाशा जो है वो फेमोरल शीट बनाता है, जिससे में से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो पास होती हैं। तो ये है इंग्वेनल केनाल, ठीक है। अगर हम देखें दिस वन इज द फाशा ट्रांसवर्सैलिस, ये फाशा ट्रांसवर्सैलिस जो है ये हमारी क्या बनाता है, हमारी डीप रिंग बनाता है, ठीक है, हमारी इंग्वेनल केनाल जो है वो बनने में देता है। और ये है कॉन्जॉइंट टनल, आर्चिंग फाइबर ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स डीप इंग्वेनल रिंग विद स्पर्मेटिक कॉर्ड, दिस इज डीप और ये है सुपरफेशियल इंग्वेनल रिंग, और इसमें से जो है हमें पता है स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है मेल्स में, स्पर्मेटिक कॉर्ड, और फीमेल में जो है वो भी स्पर्मेटिक कॉर्ड पास होती है इंग्वेनल रिंग रिंग में, ठीक है, फीमेल्स में ऐसी है ना। फीमेल में क्या क्या कौन सा स्ट्रक्चर पास होता है इंग्वेनल लिगामेंट से, और सॉरी इंग्वेनल केनाल से, विच स्ट्रक्चर पास फ्रॉम द इंग्वेनल केनाल इन फीमेल, इंग्वेनल केनाल इन फीमेल, सारे भूल गए हो, राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस और मेल में स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देन जो है वो हम देखते हैं कि जो हमारे पास इंग्वेनल रिंग है, इंग्वेनल केनाल है, उसकी टू रिंग्स होती हैं। ये इंग्वेनल केनाल कहाँ पे होती है, ये अबव टू इंग्वेनल लिगामेंट, दिस इज इंग्वेनल लिगामेंट, इसके अबव जो है 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर होती है। और ये जो एक डीप रिंग होती है जो कि इंटरनल होती है, अंदर होती है, और एक सुपरफेशियल रिंग होती है, और इन दोनों ये ओब्लिकली प्रेजेंट होती है। इस ओब्लिकली प्रेजेंट होने की वजह से जो है ये हमारे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को वीक नहीं करती, और इसके सेंटर से जो है वो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी पास होती है। इस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर्निया के हिसाब से। हर्निया, अगर कोई भी हर्निया जो है वो इस एरिया से हो, ठीक है, लाइक ऐसे इंटेस्टाइन जो है वो बाहर, मीन्स के लेटरल टू, के जो है वो लेटरल टू इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, IEA मीन्स के इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, तो वो हर्निया हमेशा कौन सी होंगी, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इंग्वेनल हर्निया, ठीक है। और वो हर्निया जो के हम मीडियल टू एपिक गैस्ट्रिक आर्टरी, लाइक ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है उसके मीडियल हो, ठीक है, गैस्ट्रिक आर्टरी, वो हमेशा जो है हर्निया, डायरेक्ट हर्निया होंगी, हर्निया। और ये जो है यहाँ पे एक स्पेशल ट्राइंगल होती है ऐसे, ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं हेजलबैक, हेजलबैक ट्राइंगल। ये हम जब मैं आपको इंग्वेनल केनाल पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसमें आपको सारा ये डिटेल हो जाएगी कि हेजलबैक ट्राइंगल क्या होती है। और हमेशा डायरेक्ट हर्निया हेजलबैक ट्राइंगल से पास होती है। इस तरह अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप उसे डायग्नोज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमने इसमें देखना है कि सुपरफेशियल और डीप रिंग, दिस इज द डीप इंग्वेनल रिंग और ये है सुपरफेशियल इंग्वेनल रिंग, ठीक है। तो उसके बाद इस ये फाश इसका जो अपर सरफेस होता है डीप इंग्वेनल रिंग का, उसके ऊपर फाशा ट्रांसवर्सैलिस होता है, और ये एंटी पोस्टीरियर वॉल बनाता है, किसकी, इंग्वेनल केनाल की, जो हमारी इंग्वेनल केनाल है उसकी पोस्टीरियर वॉल किस किस से चीज से बनी होती है, फाशा ट्रांसवर्सैलिस, कॉन्जॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वेनल लिगामेंट। पोस्टीरियर वॉल किससे बनी होती है, कॉन्जॉइंट टेंडन, फाशा ट्रांसवर्सैलिस, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वेनल लिगामेंट, इंटीरियर वॉल, एपोन्यूरोसिस ऑफ इंटरनल ऑब्लिक और एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक, और
ये और फाशा ट्रांसवर्सली सब होता है, लेकिन ये इंटर पोस्टीरियर वाल बनाता है, ठीक है। लेकिन जो इंटीरियर वाल है उसमें इंटरनल ऑब्लिक और एक्सटर्नल ऑब्लिक ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको आने चाहिए कि पोस्टीरियर वाल और इंटीरियर वाल जो है वो इंग्वेनल कैनाल की कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं। देन है डीप फाशा। डीप फाशा कवर द मसल्स एंड कंटिन्यू ओवर द सुपरमेटिक कॉर्ड एंड एज द सुपरफिशियल इंग्वेनल रिंग एज द एक्सटर्नल सुपरमेटिक फाशा कंटिन्यू ओवर द पेनिस एज द डीप फाशा ऑफ द पेनिस विच इज कॉल्ड द बॉक्स फाशा, ठीक है। जो डीप फाशा हमने पढ़ा था कि वो पेनिस के ऊपर जो है वो कंटिन्यू रहता है, वो बॉक्स फाशा बनाता है। और ओवर द प्यूबिस एंड पेरिनियम एज द डीप पेरिनियल फाशा, और पेरिनियम और प्यूबिस के ऊपर जाके ये डीप पेरिनियल फाशा बनाता है। देन लिनिया एल्बा। लिनिया एल्बा इज अ टेंडनस मीडियन रेफी होती है बिटवीन द टू रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है। आप लोगों को बताया कि दो रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, उनके दरमियान एक ना टेंडनस टेंडन होते हैं उन दोनों के, ठीक है, जो कि रेफी बनाते हैं, मीन्स कि एक फाइबरस स्ट्रक्चर बनाते हैं सेंटर में। कैसे होता है? फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ओब्लिक इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल्स की जो टेंडन शीट होती है, तीनों जब फ्यूज होती है तब ये बनते हैं। एक्सटेंड ये कहाँ से होता है? ये जी फाइव प्रोसेस से जो है प्यूबिक सिंफेसिस तक एक्सटेंड होता है। एट द लोअर एंड द सुपरफिशियल फाइबर अटैच टू द प्यूबिक सिंफेसिस एंड डीप फाइबर टू द प्यूबिक क्रेस्ट के साथ, ठीक है। अटैचमेंट कहाँ से होती है? ये जी फाइव प्रोसेस से सिंफेसिस प्यूबिस तक, और इसके टू फाइबर्स होते हैं, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल जो है प्यूबिक सिंफेसिस के साथ अटैच होते हैं, और डीप जो है वो क्रेस्ट के साथ। इन प्रेगनेंसी इट बिकम पिगमेंटेड वर्टिकल लाइन, जिसको है कहते हैं लीनिया नाइग्रा। मीन्स के बाजू का तो आपने देखा होगा, आपने कहाँ देखा होगा, फीमेल्स ने में भी देखा होगा। आप अगर जो है वो प्रेग्नेंट जो लेडी होती है उसके जो फ्रंट लाइन होती है, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ, उसमें जो है वो बहुत ज्यादा वो ब्लैक हो जाती है, क्योंकि हमें पता है प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हाई प्रोडक्शन होती है ACTH हार्मोन की, अर्डिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन जो है हमारा इंक्रीज कर देता है मेलानोसाइट्स प्रोडक्शन को, और मेलानोसाइट जो है जब इंक्रीज करेगा मेलानिन, तो वो मेलानिन जब होते हैं हमारी स्किन को क्या कर देते हैं? डार्क कलर देते हैं, ठीक है। और ये हार्मोन जो है ये अडीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये कहाँ से रिलीज होता है? ये हमारे हाइपोथैलेमस एंड इंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, वहां से रिलीज होता है। तो ये उसको क्या करते हैं? प्रोबेबली ड्यू टू द हार्मोन स्टिमुलेशन टू प्रोड्यूस मोर मेलानिन, ठीक है। मेलानिन ये हमारे देखें, और जो होती है सनलाइट होती है वो भी ज्यादा कर देती है प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन मेलानोसाइट्स की, इसी वजह से जो लोग धूप में जाते हैं वो काले हो जाते हैं, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया इज अ प्रोट्यूजन ऑफ द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट और स्मॉल पीस ऑफ ग्रेटर ओमेंटम थ्रू अ डिफेक्ट इन द लिनिया एल्बा। बाज़ औक़ात एपिगैस्ट्रिक एरिया में हर्निया हो जाती है, क्योंकि लिनिया एल्बा में डिफेक्ट की वजह से एब्डोमिनल कंटेंट वहां से बाहर निकल आते हैं, इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो दिस वन इज द लिनिया एल्बा, दिस वन, ठीक है। ये सेंट्रल रेफी लाइन है, ये देखिए, ये है जी फाइव प्रोसेस, इसके साथ अटैच होता है, और जी फाइव प्रोसेस के साथ अटैच होने के साथ साथ ये नीचे जाके हमारे किसके साथ अटैच होता है? यहाँ पे सिंफेसिस प्यूबिस के साथ, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ट्रांसवर्स अब्डोमिनस ऐसे अटैच होता है इसके साथ, इंटरनल ऑब्लिक ऐसे जाके अटैच होता है, एक्सटर्नल ऑब्लिक ऐसे जाके ये अटैच हो रहा है, तो ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। और दिस इज द रेक्टस एब्डोमिनस मसल के सेंटर में ये रेफी मीडियन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये फाशा जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आपने एक बार इनको देख लेना, डार्टस फाशा है, ठीक है, और ये बक्स फाशा, ये क्या स्ट्रक्चर है? ये है मेल पेनिस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ट्यूनिका वेजिनेलिस वगैरह सारे हम इसको पढ़ेंगे एक बार, एक आपने इसको देख लेना है। दिस वन इज द बक्स फाशा इन फीमेल, और ये है कोलेज फाशा, ठीक है।
अब दिस वन इज द लीनिया एल्बा सेंट्रल लाइन। ये लीनिया एल्बा जो है, देखें इसमें भी जो है आपको सेंट्रल लाइन जो होती है लीनिया एल्बा होती है, ठीक है। और ये है लीनिया नाइग्रा, ठीक है। दिस वन इज अ लीनियर नाइग्रा, ठीक है। ये क्या है, ये जस्ट मेलानिन प्रोडक्शन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसकी वजह से ये सारा जो है वो ब्लैकनिंग एरिया हो जाता है इस एरिया में। ये ब्लैकनिंग एरिया कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कौन सा चीज ब्लैक होती है, ये कौन सा चीज है? दिस वन इज लीनियर एल्बा, ठीक है। आपने याद रखना है लीनियर एल्बा। तो ये था लीनियर एल्बा। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर सेमिकुलरिस। लीनियर सेमिकुलरिस अ कर्व्ड लाइन अलोंग द लेटरल बॉर्डर ऑफ रेक्टस अबडोमिनस, ठीक है। उस पे कर्व्ड लाइन होती है जिसको लीनियर सेमिकुलरिस कहते हैं। और लीनियर सेमी सर्कुलरिस जिसको आर्कुएट लाइन कहते हैं, इट्स अ क्रीसेंट शेप लाइन मार्किंग द इंफीरियर लिमिट ऑफ पोस्टीरियर लेयर ऑफ रेक्टस शीट जस्ट बिलो द लेवल ऑफ द इलियक क्रस्ट, ठीक है। तो ये आर्कुएट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, और जस्ट 5 मिनट रहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन है आपको आप डिस्कस कर लें, ठीक है। दिस इज द लीनियर लेटरल रेक्टस शीट है, उसकी लेटरल लाइन, दिस वन इज द ट्रांसवर्स इंटरसेक्शंस, दिस ये इंटरनल ऑब्लिक मसल ट्रांसवर्स अबडोमिनस, और ये सारे मिलके यहाँ पे लीनियर एल्बम बनाते हैं, ठीक है। दिस इज द लैटरल शीट ऑफ रेक्टस अबडोमिनस जो कि लीनियर सेमिकुलरिस बनाती है, ठीक है। ये आर्कुएट लाइन है, इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे ये। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब जाके ये आपको समझ लगेगी। तो ये इंशाल्लाह हम जो है वो कल डिस्कस करेंगे।